सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 16,000, जहाँ पे आपको 16,000 के अंदर कर्व डिस्प्ले मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का ओआईएस वाला कैमरा मिलेगा, 6000 एमएच का लार्ज बैटरी मिलेगा, विद 65 वाट फास्ट चार्जिंग और भी काफी तगड़े तगड़े फीचर मिलने वाले हैं, वो भी सिर्फ 16,000 के अंदर। तो आपको अगर चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे बेस्ट 5G स्मार्टफोन तो वीडियो को फुल देखना, और आप अगर मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फीचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाले रियलमी की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस रियलमी P1 5G, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलने वाले, कैमरा मॉड्यूल राउंड शेप पे मिलेगा जहाँ पे आपको दो कैमरा मिलेगा। उसके साथ साथ डिवाइस की वेट 188 ग्राम होने वाले, तो डिवाइस काफी हल्का है। तो ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा है। वही मैं बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलने वाले। तो डिवाइस काफी स्मूथ होने वाला है। उसके साथ साथ डिवाइस पे आपको 2000 नीट ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। यहाँ पे एमोलेड मिलता है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल राउंड शेप पे होगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वह मैं बात करें फोन कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडिया टेक डायमेंसिटी 705G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों, इसकी एंथु स्कोर 6 लाख से भी ज्यादा है, तो काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। यहाँ पे आप हाई लेवल की गेम प्ले भी कर सकते हो, तो गेमिंग के लिए भी आप इस डिवाइस को चूज कर सकते हो। बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 6GB 128GB 8GB 256GB UFS 3.1 टाइप का। इस डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे दिया गया 5000 एमएच का लार्ज बैटरी विद 45 वाट फास्ट चार्जिंग, जो इस डिवाइस को सिर्फ 27 मिनट पे 50% तक चार्ज कर देगा, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया है। इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा, NFC नहीं मिलेगा। डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 14 रियलमी UI 5.0 पर। डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिलने वाले। तो दोस्तों, ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस वेरिएंट 6GB 128GB, उसकी करंट एमपीआर प्राइस 16,000 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस अंडर 15,000 में आ जाता है। वहीं पे बात करें सेकेंड वेरिएंट 8GB 256GB की, तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे रियलमी की एक काफी शानदार सा डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों, ये डिवाइस है Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Redmi Note 13 5G। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को डिटेल्स में जान लेते। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे बैक कंप्लीट की ग्लास की होने वाला है। इस डिवाइस की वेट ओनली 174 ग्राम है। ग्लास बॉडी के साथ भी काफी हल्का, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। वो मैं बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1 बिलियन कलर मिलेगा इस डिस्प्ले के। और डिस्प्ले को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट, जो डिस्प्ले को काफी स्मूथ कर देगा। आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले 1000 नीट पीक ब्राइटनेस, जो काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले को सेफ रखने के लिए यहाँ पे दिया गया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, जो भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें इस डिवाइस के कैमरा की, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वह भी बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडिया टेक डायमेंसिटी 6080 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। इस डिवाइस के आपको 3 रैम रोम वेरियंट मिलेगा, जहाँ पे फर्स्ट 6GB 128GB 8GB 256GB 12GB 256GB। तो रैम रोम वेरियंट काफी ज्यादा मिलने वाला है।
बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5000 एमएएच का लार्ज बैटरी विथ 33 वाट फास्ट चार्जिंग। डिवाइस की सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको मिलने वाला है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 3.5 एमएम जैक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल स्पीकर ही मिलेगा। ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 और एमआईयूआई 14 पे। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो गए इसके सभी फीचर, अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसके करंट टाइम पे प्राइस 17,000 टू 18,000 के अंदर फ्लैक्चुएट हो रहा है। उसके साथ साथ 8GB प्लस 256GB का जो प्राइस है वो 19,000 है और 12GB और 256GB का प्राइस अभी करंट टाइम पे 21,000 के आसपास है। पर मैक्सिमम टाइम बेस ब्रांड पे यहाँ पर 1000 या पर 1500 इसके आसपास डिस्काउंट मिल जा रहा है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 16,000 के आसपास आ रहा है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी ब्रांड को चूज कर सकते हो। तो ये डिवाइस होने वाले पोको की तरफ से पोको X6 न्यू, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम मिलने वाला है। डिवाइस की वेट 175 ग्राम है, काफी हल्का है और यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिलने वाला है। तो डिवाइस काफी हल्का है, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। बात करें डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर मिलेगा। वे पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, तो डिवाइस काफी स्मूथ होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 नीट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले काफी तगड़ी है, गेमिंग या फिर कंटेंट कंज्यूम के लिए काफी अच्छा होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। वे बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है, जिसकी एंटीटो स्कोर 450,000 के आसपास है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। रैम रोम की बात करें, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलने वाला है 8GB 128GB 12GB 256GB UFS 2.2 टाइप के। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5000 एमएएच का बैटरी मिलने वाला है विथ 33 वाट फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों ये तो गया इसके सभी मेन फीचर, अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाले, 3.5 एमएएच जैक मिलेगा, NFC इस डिवाइस पे आपको नहीं मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर, आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दो ब्रांड मिलेगा, जहाँ पे बेस ब्रांड 8GB 128GB के जो प्राइस है वो 15,000 है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 14,000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। वह मैं बात करें 12GB 256GB का प्राइस के बारे में, तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, सेम डिस्काउंट यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले लाभा की तरफ से लाभा अग्नि 2। इसी टाइम पे इंडियन मार्केट में सिर्फ यही एक डिवाइस है जो आपको 20,000 के अंदर मिल रहा है। बाकी सभी जितने सारे डिवाइस है वो 24,000 या फिर 25,000 बेस वेरिएंट का प्राइस है। तो 20,000 के अंदर सिर्फ यही डिवाइस है। तो दोस्तों फीचर में सबसे पहले आपको मिलने वाला है 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड कर्व डिस्प्ले, जहाँ पे आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले काफी अच्छा है। और दोस्तों रेजोल्यूशन की बात करें, तो 2400x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है। और दोस्तों बात करें कैमरे की, तो रियर पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आपको मिल जाएगा। और वहीं पे मेन कैमरा से आप 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 705 जो चिपसेट, जो 6nm पे बेस्ड है,
जिसके एंथुज को 5x से भी ज़्यादा है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये डिवाइस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। उसके साथ जैसे कि ये एक 5G डिवाइस है तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 13 5G बैंड जो इंडिया की सभी टाइप के बैंड को सपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 16GB रैम मिलेगा जहाँ पे 8GB प्लस 8GB वर्चुअल रैम होगा और उसके साथ साथ 256GB का रोम मिलेगा। दोस्तों इस मोबाइल पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का बैटरी विद 66W की फास्ट चार्जिंग की साथ जो आपके मोबाइल के 50% चार्ज सिर्फ 16 मिनट पे कर देगा। और दोस्तों इस मोबाइल पे सबसे बढ़िया बात आपको एकदम क्लीन ओएस मिलने वाला है जहाँ पे आपको कोई भी ब्लूटूथ और एड्स देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों और फीचर की बात करें तो बैक की जो डिजाइन वो आपको ग्लास का मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों इस मोबाइल की आपको 3 कलर वेरिएंट मिलेगा जो काफी प्यारा कलर है। दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी जो प्राइस पहले ज्यादा था पर अभी घटा के इसकी प्राइस को 70,000 कर दिया है और मैक्सिमम टाइम सेल पे 16,000 के अंदर आ जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस प्राइस पॉइंट पे एक कर्व डिस्प्ले और काफी अच्छे अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप अगर लेना चाहते हो इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले मोटोरोला की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस मोटो G64 जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक होगा और डिवाइस की वेट 192 ग्राम होने वाला है। तो डिवाइस काफी हल्का है। दोस्तों मोटोरोला की सभी डिवाइस की जो लुक एंड डिजाइन है वो एक जैसा ही होता है, यहाँ पे भी आपको सेम लुक एंड डिजाइन मिलने वाला। तो नेक्स्ट बात किया जाए इसकी डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है 85.5 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में तो दोस्तों इस डिवाइस पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है जहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों 14,000 की मोबाइल में आपको OIS की सपोर्ट दिया गया है जो काफी अच्छी बात है। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ इस डिवाइस पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है जो इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी अदर ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता है। कोई भी बात किया जाए फोन कैमरा की तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते। और दोस्तों बात किया जाए कैमरा क्वालिटी की तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी डिसेंट सा फोटो और वीडियो क्वालिटी निकल के दे देता है। नेक्स्ट बात किया जाए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो इस डिवाइस पे इंडिया का फर्स्ट एक न्यू चिपसेट यूज होने वाला है जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 प्रोसेसर जो 6nm पे बेस है। ये इंडिया की फर्स्ट इस डिवाइस पे ही यूज होने वाला है। और दोस्तों बात किया जाए रैम रोम की तो इस डिवाइस की आपको 2 वेरिएंट मिलेगा जब बेस वेरिएंट होगा 8GB 128GB और जो सेकेंड वेरिएंट वो होगा 12GB 256GB। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की तो इस डिवाइस पर आपको मिलने वाला 6000mAh का लार्ज बैटरी विद 30W फास्ट चार्जिंग जिसकी मदद से 50% चार्ज सिर्फ 33 मिनट पे होने वाले। तो इस प्राइस पॉइंट पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है जो काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये तो गया इसके मेन फीचर, अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाले, 3.5mm जैक मिलेगा, उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 पे रन होने वाले और एंड्रॉइड 15 तक अपडेट इस डिवाइस पे आपको मिलेगा। और दोस्तों ये एक 5G डिवाइस है जहाँ पे आपको 14 5G बैंड मिलने वाले। तो इंडिया पे अवेलेबल सभी 5G बैंड को ये सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों ये तो गया इसकी सभी फीचर, आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस बैंड 8GB 128GB वाला बैंड है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 15,000 है पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 14,000 के अंदर आ जाता है। वही पे बात किया जाए 12GB 256GB का तो उसकी करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद वो भी 15,000 के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी ब्रांड को बाय कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।